और उधर पाकिस्तान में रात 8 बजते ही अंधेरा छा जाएगा, मार्केट मॉल सब कुछ अंधेरे में डूब जाएंगे। पाकिस्तान में आई इस आफत की पीछे वजह क्या है, आप रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में फिर बिजली संकट गहरा गया है, जिसको देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रात 8 बजे तक सभी बाजारों, मॉल, कमर्शियल सेंटर्स, ऑफिस लाइटें बंद करने का आदेश दिया गया है। इससे पहले भी सरकार ने ये आदेश दिया था, लेकिन बिजली संकट से राहत नहीं मिली। सरकार के इस फैसले से व्यापारी खासे नाराज हैं। व्यापारियों का कहना है कि गर्मी के कारण लोग दोपहर में घर से नहीं निकलते हैं। रात 8 बजे से 11 बजे तक का समय उनका पीक टाइम होता है। सरकार के इस फैसले से व्यापारियों को बहुत नुकसान होगा। पाकिस्तान के अखबार दी डॉन के मुताबिक ईंधन के आयात पर होने वाले खर्च कम करने के लिए ये फैसला लिया गया है। इस संकट को देखते हुए पीएम शहबाज शरीफ ने दो बैठकें की हैं। सरकार बिजली बचाने के लिए एलईडी लाइटों को भी बढ़ावा देगी, जो बिजली की अधिक बचत कर सके। दरअसल विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम बचा है। ऊर्जा के लिए भी पाकिस्तान तेल पर निर्भर रहता है। हाल ही में सऊदी अरब ने तेल उत्पादन में $1 मिलियन की कटौती की है। इससे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार जा सकती हैं। इसलिए पाकिस्तान बिजली बचाने पर जोर दे रहा है।